अजीब बात है कि पुराने फिल्मों से मैं आज भी रिलेट कर पाती हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चेतन आनंद का नीचा नगर। सिविलाइजेशन के शुरुआत में मोहनजोदड़ो में भी हमारे जो अमीर और गरीब थे वो अलग अलग रहते थे। अपर टाउन में अमीर पावरफुल लोग रहते हैं और लोअर टाउन में गरीब किसान मजदूर रहते हैं। नीचा नगर में भी ऐसे ही होता है। अपर टाउन में जो म्यूनसिपालिटी के प्रधान हैं वो चाहते हैं कि लोअर टाउन के सारे लोगों को हटाकर वहाँ पे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जाए। अब इसके लिए लोगों को कैसे हटाएंगे, तो वो क्या सोचते हैं कि अपर टाउन में जो ड्रेनेज पाइप है उसे वो खोल देंगे ताकि सारा जो मैला है वो सीधा जाए लोअर टाउन की ओर, और फिर लोअर टाउन के लोग गरीब बीमार पड़ने लग जाते हैं, और फिर फिल्म में हम देखेंगे कैसे लोअर टाउन के लोग म्यूनसिपालिटी से लड़ते हैं। अब फिल्म बनी थी 1940s में, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के बाद भी आज भी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसी तरह से बनते हैं, गलत जगह पे गलत तरीके से। फॉरेस्ट लैंड पे बनाते हैं, गरीबों के ज़मीन पर वेटलैंड्स और सॉल्ट पैंस को भरकर बनाते हैं। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करता तो कोई भी गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता है। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हुआ है जो बहुत कम देखने मिलता है। आणखीन आपल्या सगळ्या प्रशासकीय लोकांनी अधिकाऱ्यांनी एक आढावा घेतल्यानंतर या जंगलाची व्याप्ती आता 600 एकर पासून जवळपास 800 एकर झालेली आहे। 800 एकरचं जंगल आपलं सरकार, तुमचं सरकार हे आपल्या या मुंबईत महाराष्ट्राच्या राजधानीत जंगल म्हणून आज घोषित करतोय आणि त्याचा मला सार्थ अभिमान आणि नक्कीच आनंद आहे। सालों से लोगों का लगातार सपोर्ट और स्ट्रगल की वजह से ही आज आरे एक फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ है। लेकिन 4 दिन बाद आरे में फिर से ट्री कटिंग हुआ और जैसे ही ये खबर पहुंची वैसे ही आरे सपोर्टर्स कटे हुए पेड़ों को फिर से लगाने आए। तो ये एक गिरा हुआ झाड़ था, गिरा हुआ पेड़ सप्तपर्णी का, जिसमें अभी तक जान है, तो हम लगा रहे इधर रूट्स नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा पानी है साइड में, तो पानी से थोड़ा सा नाला बना के हम लोग सर्कल बना रहे हैं, तो ये मिट्टी गिली रहेगी और थोड़ा सा अगर लक है हमारे साथ तो जड़ भी निकलेंगे और ये फिर से पेड़ बन जाएगा। आज के आधुनिक युग के विलन रावण के रूप में नहीं आते हैं, कुछ इस रूप में आते हैं। रावण को जलाने से शैतान नहीं मरते, सिर्फ पोल्यूशन लेवल और बढ़ जाता है। इस दशहरा क्यों ना हम सब एक शैतान को अपनी ज़िंदगी से कम कर दें। हैप्पी दशहरा।